अपना कंपनी एक्ट से क्वेश्चन है क्या, हाउ द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी अपॉइंटेड, कि डायरेक्टर का कंपनी में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, व्हाट रेस्ट्रिक्शन हैव बीन इम्पोज्ड बाय कंपनी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कि कंपनी में डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग क्या रेस्ट्रिक्शन है कंपनी एक्ट के अंदर, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है कि सबसे पहले कंपनी क्या होती है, देन डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर का कंपनी से अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, देन हम आगे ये पढ़ेंगे हाउ द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी अपॉइंटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कंपनी होती है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये है कि उसका कोई अपना दिमाग नहीं है, उसको चलाने के लिए हमें जिस पर्सन की ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा कंपनी को जो डायरेक्ट कर रहा है वो डायरेक्टर कहलाएगा, नहीं, डायरेक्टर वो कहलाएगा जो कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं। तो अब आपको ये समझ आया होगा कि कंपनी और डायरेक्टर क्या होते हैं और कंपनी में डायरेक्टर की क्या ज़रूरत होती है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि हाउ द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी अपॉइंटेड, कि एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ये जो मेथड रहते हैं, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हमसे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, द डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड बाय द फॉलोइंग वे, उसमें दे रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट बाय मेंबर या कंपनी, अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टी, अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव एंड अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हाउ द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी अपॉइंटेड, इसका आंसर हमने यहाँ पे कर लिया कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट फर्स्ट डायरेक्टर के फॉर्म में हो सकता है, बाय मेंबर हो सकता है, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, बाय थर्ड पार्टी हो सकता है, और बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय है, यहाँ पे समझिएगा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू द बोर्ड होता है, बाय द बोर्ड नहीं होता है। इस चीज़ को आप पहले क्लियर कर लीजिएगा कि जो डायरेक्टर होता है वो क्या करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है वो उसको डायरेक्ट करता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कभी भी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोलते हम, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू द बोर्ड हम बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब हम बात ये करेंगे कि जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट रेस्ट्रिक्शन हैव बीन इम्पोज्ड बाय द कंपनी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कि कंपनी एक्ट के अंदर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि डायरेक्टर का हमने अपॉइंटमेंट समझ लिया कि अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के रेस्पेक्ट में क्या रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रही है गवर्नमेंट। अब आप देखिए, कोई भी कंपनी होती है जब वो फंड रेज करती है तो कहीं ना कहीं उसमें पब्लिक का पैसा लगता है, जब किसी कंपनी में पब्लिक का पैसा लगेगा तो उस पैसे की सेफ्टी भी रखनी होगी, उसकी जिम्मेदारी भी किसी व्यक्ति की होगी, तो वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस कंपनी का डायरेक्टर की पोस्ट संभाल सकता हो। तो हमें रेस्ट्रिक्शन के अंदर ये समझना पड़ेगा कि एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर के फॉर्म में कौन सा पर्सन अपॉइंट हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कौन सा पर्सन अपॉइंट हो सकता है, ये चीज़ आप गौर करिएगा कि कभी भी कंपनी का डायरेक्टर कोई बोर्ड नहीं होता, कोई फर्म नहीं होती, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं होती कंपनी की डायरेक्टर। कंपनी का डायरेक्टर हमेशा क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, और रेस्ट्रिक्शन ये होते हैं कि जब कंपनी का डायरेक्टर हम अपॉइंट कर दें तो वो पर्सन क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि वो पर्सन यदि डिसक्वालिफाइड है डायरेक्टर की पोस्ट के लिए तो हम उसको डायरेक्टर नहीं बना सकते। डिसक्वालिफाइड पर्सन कौन होता है आप जानते ही हैं, वो पर्सन जो या तो अनसाउंड माइंड का हो, अनसाउंड माइंड का मतलब ये हुआ कि जो खुद में ही स्टेबल नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम एज ए डायरेक्टर हम अपॉइंट नहीं कर सकते। एक ऐसा पर्सन जो अभी डिस्चार्ज हुआ है इंसॉल्वेंसी से, वो तो अपॉइंट हो सकता है, लेकिन जो अभी इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज नहीं हुआ है वो पर्सन कभी डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो डायरेक्टर के जो डिसक्वालिफिकेशन यदि आप देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि कौन सा पर्सन जो है वो एलिजिबल है डायरेक्टर बनने के लिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी कि एक कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर को अपॉइंट हम किस किस मेथड से कर सकते हैं, और डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन क्या हैं, कि वही पर्सन जो क्वालिफाइड है वही एज ए डायरेक्टर वर्क कर सकता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे इनको डिस्कस करते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर,
जैसे कि आपको आपको पता है कि जो कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है वो जो उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेक्शन 254 यहाँ पे दिया हुआ है कि डायरेक्टर शैल एक्ट एज ए डायरेक्टर टिल द डायरेक्टर आर डली अपॉइंटेड एट द फर्स्ट AGM आफ्टर इंट्रोग्रेशन ऑफ कंपनी, कि डायरेक्टर वो रहता है जो कंपनी के फर्स्ट AGM से पहले उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट AGM से पहले जिसका अपॉइंटमेंट होता है उसको हम फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं। हम बोलते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है उसका अपॉइंटमेंट किस सेक्शन के अंदर होता है, सेक्शन 254 के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एट द जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे होता क्या है कि यदि किसी कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनका टू थर्ड पब्लिक कंपनी के केस में हम क्या करते हैं, टू थर्ड पर्सन की जो वोटिंग होती है वो हम देखते हैं। यदि वो डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के फेवर में है तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट एट द जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। ये सेक्शन 255 के अंदर बताया हुआ है कि यदि किसी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में मेंबर्स टू थर्ड या उससे ज़्यादा वोटिंग करते हैं तो वो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हम बाय मेंबर जनरल मीटिंग मानते हैं। फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कुछ वैकेंसी होते हैं, जैसे एडिशनल डायरेक्टर होता है सेक्शन 262। फिर आपका कैजुअल वैकेंसी होती है जो आकस्मिक जो किसी पुराने डायरेक्टर का सडन ऑफ बिजनेस से चला जाना ऑर्गेनाइजेशन से चला जाना तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे उस सिचुएशन में अपॉइंटमेंट 262 के अंदर होता है। फिर अल्टरनेट डायरेक्टर का भी प्रोविजन है। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, एक कंपनी रिसोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग में अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब यू कह सकते हैं एक तरीके से वो डिप्टी डायरेक्टर की तरह वो काम करता है, उसका सेक्शन 313 है सेक्शन। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी इन द सेंस हम ये बोल रहे हैं जब हम मेंबर्स को हमने देख लिया था पहले, फिर हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी देख लिया, देन फिर हमने ये देखा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जो है हम एडिशनल कैजुअल और अल्टरनेट डायरेक्टर की हमने बात की। अब हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करेंगे थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब ये हुआ कि कोई डिवेंचर होल्डर है, कोई बैंकिंग कंपनी है तो उन्होंने को किसी डायरेक्टर को क्या किया, नॉमिनेट किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस डायरेक्टर को जिसका नॉमिनेशन उससे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय थर्ड पार्टी। और जो आपका सेकंड लास्ट आता है वो क्या आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये हुआ कि जो हमने सेक्शन पहले पढ़ी थी कि टू थर्ड ऑफ द टोटल जो आपके मेंबर्स होते हैं, ऐसे टू थर्ड यदि बोर्ड के मेंबर्स जो होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे वो यदि वोटिंग करते हैं तो अपॉइंटमेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हम डायरेक्टर का कर सकते हैं। फिर अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 248 ये बताता है कि ऐसा डायरेक्टर जो नॉट लेस देन 100 मेंबर ऑफ कंपनी अप्लाई टू कंप्लाई द बोर्ड टू मेक ए सच अपॉइंटमेंट, कि किसी कंपनी में 100 या उससे ज़्यादा मेंबर क्या करते हैं, नंबर ऑफ द कंपनी अप्लाई टू कंप्लाई लो वोट टू मेक सच एन अपॉइंटमेंट, कि ऐसी कंपनियां जिसके अंदर गवर्नमेंट ये देखती है कि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का इंटरेस्ट है तो पब्लिक के इंटरेस्ट और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए वो क्या करती है, खुद डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करती है।